हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल विषय है। मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। और कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं लगता है कि आज भी अपने आप को सक्षम नहीं पा रही हूँ इस बारे में बात करने के। लेकिन ये भी भीतर से लग रहा है कि अगर अब बात नहीं किया तो शायद जीवन में चुप रहने का मुझे हमेशा अफसोस रह जाएगा। मैं बात कर रही हूँ सीबीआई जांच की। आज 23 दिन से ऊपर हो गया है सुशांत को गए हुए, लेकिन अब तक सीबीआई जांच की कोई ख़बर नहीं आई। तो आज मैं भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सीबीआई जांच हो। मैं जितना सुशांत को जानती थी या जानती हूँ उस हिसाब से कह सकती हूँ कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता, मेरा दिल नहीं मानता, और इसीलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ। मुझे याद है हम लोगों ने एक साथ ही लगभग करियर शुरू किया था और सच में जब भी बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सर ऐसे भन्ना रहा है, बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे होते हैं, गुस्सा भी, घबराहट भी, बेचैनी भी, बहुत अजीब सा अंदर खलबली मच जाती है। शायद एक ही शहर से हैं इसलिए, या एक ही साथ करियर शुरू किया था इसलिए, या एक ही चैनल के लिए हम काम करते थे और एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ये कह सकती हूँ कि सुशांत मेरे लिए कोई ख़बर नहीं है, सुशांत मेरे बीच का ही, हमारे बीच का इंसान है, एक परिवार वाली बात लगती है, क्योंकि वो छोटे शहर में होता है, हम बहुत ऐसे अपना सा महसूस करते हैं। लेकिन अभी मैं स्टेबल करके जो बात करने जा रही हूँ, चार बातें हैं, या कह सकते हैं कि चार पांच बातें हैं जिसको मैं आज आपके सामने शेयर करूँगी आप सबसे। पहला तो ये कि सुशांत को जस्टिस मिलनी चाहिए। देखा जाए तो सुशांत को क्या ही जस्टिस मिलेगा, क्योंकि उसके लिए सुशांत का होना ज़रूरी था, पर आज सुशांत नहीं है तो मुझे लगता है कि हम बात कर रहे हैं सुशांत के पिताजी को जस्टिस मिलना चाहिए, उसके परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए सीबीआई जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात करूंगी हमारे आम जनता की, जिन्होंने हर दिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच का प्रेशर बनाया हुआ है, मांग कर रहे हैं, और उनको कहना चाह रही हूँ कि आप लोग की वजह से हमारे अंदर भी एक उम्मीद की किरण दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की वजह से शायद सीबीआई जांच हो पाए, क्योंकि इंडस्ट्री तो चुप बैठी है। अगर कोई बोल रहा है तो वो आप लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि इंडस्ट्री के लोग नहीं आगे आ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि आप लोग ही एक आम इंसान को स्टार बनाते हैं, आप लोग ही पॉलिटिक्स में जो सत्ता जिसकी आती है आप लोग ही पहुंचाते हैं, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और आप लोगों में बहुत दम है, तो आप लोग प्लीज़ चुप मत बैठिएगा और सोशल मीडिया पर तब तक ऐसे ही बोलते रहिए और मांग करते रहिए जब तक कि सीबीआई जांच शुरू नहीं हो जाती। और बात उन लोगों की करना चाह रही हूँ जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जिनकी बातें कान में पड़ती हैं, जो ये बात कह दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत डिप्रेसिंग न्यूज़ चल रहा है, सिर्फ सुशांत की ही खबर चल रही हैं, बहुत ही परेशानी होती है देखकर, अब ये सब बंद होना चाहिए। कैसे ये सब बात कर लेते हो यार, मतलब आता कैसे है ये मन में कि ये केस अनसुलझा ही बंद हो जाना चाहिए। जी हाँ, ये अनसुलझा ही तो है। बिना जांच के अगर हमें रिजल्ट सुना दिया जाए कि ये एक सुसाइड है और ये डिप्रेशन का केस था, तो हम कैसे मान जाए। तो जांच तो हर चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर घर में छोटी सी चोरी भी हो जाए या कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए, तब भी हम सीधा रिजल्ट पे नहीं चले जाते हैं, हम कहते हैं कि अरे भैया नहीं, सर्वेंट ने चोरी नहीं की थी, ये तो अपने ही घर के बच्चे का काम था, जाँच करते हैं ना। तो सुशांत के केस में बिना जाँच के कैसे ये रातों रात खबर आ गई कि सुशांत ने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया, कैसे हम लोग मान लें।
हमें तो जांच चाहिए, हमें जानना है कि आखिर पूरे पीछे की कहानी का क्या है। अभी लोग बैठकर ये बात कर ले रहे हैं कि भैया सोशल मीडिया पर इस तरीके की न्यूज़ बंद होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके की आप लोगों को न्यूज़ नेगेटिव और डिप्रेसिंग लग रही है और आपको लगता है कि ये बंद होना चाहिए, तो हर इंसान सीबीआई जांच की डिमांड कर लेना। अगर आप सीबीआई जांच की डिमांड करेंगे तो लोगों का काम बंद हो जाएगा, सीबीआई अपना काम शुरू कर देगा और प्रॉपर जांच होगी। और ये सीबीआई का काम है, जब ऐसी संदिग्ध मौत हुई है जिस पे हर इंसान को डाउट है, दो ग्रुप में बट गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर है, तो हुआ ना ये अनसुलझा मौत, तो इसको सुलझाने के लिए सीबीआई जांच की डिमांड की जा रही है, तो कोई बड़ी बात तो नहीं की जा रही। और मुझे लग रहा है कि आम जनता बहुत ज़्यादा एक साथ होकर काम कर रही है, और हमारे अपने परिवार के बच्चे के लिए, यानी कि मैं बात कर रही हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में, कि हमारे बीच के बच्चे के लिए वो जस्टिस की डिमांड कर रही है, तो हम एक परिवार वाले होकर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, क्यों हम बात नहीं कर रहे हैं कि सुशांत का केस सीबीआई को सौंपा जाए। मैं जानती हूँ हर इंसान सुशांत की मौत से बहुत बहुत दुखी है, अपने आप को स्टेबल नहीं पा रहा है। मैं रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी चुप थी, लेकिन अपने आप को मजबूत करके हमें आगे आना होगा गाइस, क्योंकि अगर ये केस अगर हम लोगों ने नहीं बोला तो ये कहीं बंद ना हो जाए। अगर हम आज एक होकर के आवाज़ उठाएंगे सीबीआई जांच के लिए, तो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एकजुट होकर जो भी काम किया जाता है उसको सफलता मिलती है। दोस्त से याद आ रहा है संदीप भाई, मैंने एबीपी न्यूज़ पर संदीप सिंह का इंटरव्यू देखा, बहुत ही स्टेबल हैं, सेंसिबल तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत होशो हवास में हैं। उन्होंने अंतिम संस्कार की बात की, अपनी परेशानी की बात की, लोगों की कंप्लेन की, उनके घर वालों को अकेला छोड़ दिया जाए, प्रेयर के लिए वक्त दिया जाए, पीस में छोड़ दिया जाए, ऐसी भी बात की। उन्होंने अपनी फिल्म की भी बात की, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो YouTube पे अवेलेबल है, आप जाकर संदीप सिंह की वो इंटरव्यू देखिए। पर संदीप से मैं पूछना चाहूँगी, तू कैसा दोस्त है भाई, तू इतने सेंसिबल बात कर रहा है, पर तुझे कि ये ध्यान नहीं रहा कि एक सीबीआई जांच की मांग कर ले। जैसे ही सीबीआई जांच की बात आई, ऐसे कन्नी कटाया है संदीप सिंह ने, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा लगा ऐसा ये कौन सा दोस्त है। और अगर वो भूल गया है कि सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मांग कर ले, तो दोस्त है, सबसे करीबी दोस्त। कभी कभी घबराहट होती है कि इंडस्ट्री में क्या कोई भी घटना दुर्घटना होगी तो क्या केस ऐसे ही क्लोज कर दिया जाएगा, ये डिप्रेशन और सुसाइड का केस बोलकर। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अगर याद करें तो प्रत्युषा के केस में भी ऐसा ही हुआ था, उसका केस भी डिप्रेशन और अल्कोहल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और सुसाइड ऐसा करके बंद कर दिया गया। आज जब सुशांत के साथ हुआ है तब भी वही चीज़ हो रहा है कि क्लिनिकल डिप्रेशन और सुसाइड। और जांच पड़ताल करने वाले कौन और जज बनने वाले कौन, हमारे बीच के आम लोग, सीबीआई नहीं। सीबीआई का काम है जांच करना, हम उस तक केस जाने ही नहीं दे रहे, हम खुद ही पहले जज बने बैठे हैं। सड़क बनाने वाले लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई वो तो पहले से ही डिप्रेशन में था, हमने तो पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। तो मतलब होते कौन है आप लोग, आप लोग सड़क जैसी फिल्में बनाते हैं, वही दो चार और बनाइए, साइकोलॉजिस्ट मत बनिए। खून खौलता है जब लोग ऐसी बात करते हैं कि छोटे शहर के जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो बड़े शहर के नेम फेम को हैंडल नहीं कर पाते, वो स्ट्रेस और प्रेशर में बिल्कुल हैंडल नहीं करते और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो कौन करता है फिर। सुशांत अपनी लाइफ खुद ही हैंडल कर रहा था ना भाई, छोटे शहर के लोग क्या क्या हैंडल कर सकते हैं ये छोटे शहर के लोग ही बता सकते हैं। हम छोटे शहर के लोगों की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो बचपन से ही चालू हो जाती है, वो भी हमें ट्रेनिंग के लिए किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें घर में ही सिखा दिया जाता है। इतने चपेट थपेट पड़ते हैं ना घर में भाई, बचपन से ही हम कोएड में जाना चाहते हैं लेकिन गर्ल्स स्कूल में जाना है तब हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें अपने शहर में नहीं हमें बाहर के शहर में पढ़ना है, हमें ये सब्जेक्ट नहीं हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है, हम टीचर नहीं हम एक्टर बनना चाहते हैं। हम हर छोटे बड़े मुद्दे को हैंडल करते हैं, वो भी परिवार के बीच में रहकर। हमें देख परिवार को हैंडल करना सबसे टफ होता है, किसी को हर्ट नहीं करना है, सबको साथ में लेकर चलना है, बहुत 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 समझदारी से चलना हमें आता है। हमें पता होता है कि हम जब बड़े शहर में जा रहे हैं तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। हम तो साला जब छोटे शहर से कॉलेज में भी जाते हैं ना तो हमारी भरपूर रैगिंग होती है और हम तैयार रहते हैं कि हमारी वाट लगेगी। वैसे जब हम दिल्ली मुंबई आते हैं तो हमें पता है कि हमें कोई ऐसे हाथ फैलाकर नहीं कहेगा कि आ जाओ हम तुम्हें स्टार्स बना देंगे। हमें पता है हमें पापड़ बेलना पड़ेगा और उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हम अप्स एंड डाउन देखते हैं। पर उसको सिर्फ डिप्रेशन कह करके आप ख़त्म कर दोगे तो ये सही नहीं है ना। डिप्रेशन बहुत आम सी चीज़ है, उसको ऐसे खास तरीके से एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक टूल की तरह कि बस केस को बंद कर दिया जाए, डिप्रेशन है और ये सुसाइड है बंद कर दो। डर लगने लगा है डिप्रेशन शब्द से जबकि है कुछ नहीं। आज हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई डिप्रेशन में आपको मिलेगा, हर किसी चौथे घर में आपको डिप्रेशन के टैबलेट्स और प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि वहाँ सुसाइड ही हो सकता है उस इंसान के साथ? क्या कोई दुर्घटना या कोई हादसा नहीं हो सकता? क्या ऐसे इंसान की मौत के पीछे कुछ रहस्य नहीं हो सकता? मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री में किसी भी मौत को या किसी भी बात को बहुत जल्दी अल्कोहल से जोड़ दिया जाता है, बहुत जल्दी सुसाइड और डिप्रेशन और बैड कंपनी स्ट्रेस पता नहीं किस किस चीज़ से जोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई तह तक नहीं जाना चाहता। और सुशांत के केस में भी वही मुझे लग रहा है कि ना हो जाए। इसमें प्लीज़ CBI जांच की डिमांड कीजिए। आप लोग, आम जनता कर रही है लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो कि आगे आ सकते हैं वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, चुप क्यों हैं। अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो स्टेबल कीजिए, क्योंकि अभी चुप अगर हम रह गए तो ये केस कहीं क्लोज ना हो जाए। और अगर सुशांत के केस को जस्टिस नहीं मिला ना तो ये शायद ये एक तरीके से पैनिक करने वाली बात है कि कभी भी ऐसी अगर दुर्घटना हमारे इंडस्ट्री में होगा तो इसी तरीके से केसेस बंद हो जाएंगे। बड़े लोग अगर सामने आए तो ज़्यादा मुझे लगता है कि बात में दम आ जाएगा, और अभी नहीं है टाइम ये बड़े लोग और छोटे लोगों का देखने का, नहीं ये टाइम है TV इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में बंटवारा करने का, ये टाइम है ही नहीं ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म गैंगिज्म पे बात करने का। ये सिर्फ टाइम है सुशांत सिंह राजपूत के केस को CBI को सौंपे जाने का। हमें जवाब चाहिए कि आखिर सच क्या है। सब लोग अपने अपने को बचाने में ही लगे पड़े हैं। अरे यार, किस चीज़ से बचना और बचाना है? सामने आना है और एक CBI जांच की मांग करनी है। मैं बात कर रही हूँ हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स की। बच्चन साहब हैं, सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, अक्षय कुमार हैं, बहुत सारे बड़े नाम हैं जिनकी आवाज़ बड़े दूर तक जाती है। अगर वो सुशांत के केस में CBI जांच की मांग करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ सुनवाई होगा और जल्दी ही CBI जांच की शुरुआत होगी। हम लोग बहुत छोटे एक्टर्स हैं, मैं तो इतनी छोटी हूँ कि शायद आज दो शब्द बोलूँगी, कल दो लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे, इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अगर सामने आएंगे, परिवार समझ कर ही सही, हम लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग बहुत ऊपर जाकर बैठे हैं और बहुत दुनिया देखी है आप लोगों ने, और अपने परिवार का ही बच्चा गया है सुशांत, कोई अलग नहीं था, बहुत छोटे शहर से आकर वो वहाँ तक गया था, वो तो TV का भी है और फिल्म का भी है। तो मुझे लगता है TV और फिल्म दोनों ही इंडस्ट्री से लोगों को आगे आकर CBI जांच का डिमांड करना चाहिए और अभी दूसरे मुद्दों को नज़रअंदाज करें। अभी वो टाइम ही नहीं है उन सब बारे में बात करने का। मैं तो बात ही नहीं करूँगी, कोई बात नहीं करनी है नेपोटिज्म की, मुझे कोई नहीं बात करनी है मुझे गैंगिज्म की, मुझे बात करनी है CBI जांच की। और स्वरा भास्कर, आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं बोल रही हैं? आपने तो बस
दो शब्द ये कह दिया कि डिप्रेशन में था सुशांत और अब हम डिप्रेशन क्या होता है ये जान गए। नहीं नहीं यार, ये आप तो अब मतलब हर छोटे बड़े मुद्दे पर बात करती हैं ना, आप तो जो बात जानती हैं उस विषय पर, जो जिस विषय को आप नहीं जानती हैं उस विषय पर भी बात करती हैं। तो सुशांत के केस में आपने सिर्फ ये बोलकर क्लोज कैसे कर दिया कि ये डिप्रेशन का मामला है और हम सबको अब पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि डिप्रेशन क्या होता है और काला सच और ये नहीं, इतने से नहीं चलेगा। सौरभ भास्कर आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपको जनता सुनती है, मुझे सुनने वाले मात्र गिने चुने दो चार लोग होंगे, आपको सुनने वाले बहुत बहुत सारे लोग हैं आपके फॉलोअर्स। तो प्लीज़ आप सबसे मैं डिमांड कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सीबीआई जांच की मांग करें, क्योंकि ये आज सुशांत के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, सिर्फ नाम ही तो बदलेगा और क्या होगा। और कहाँ है दोस्त, मतलब कौन सा गैंग था सुशांत का, मुझे तो आज दिख नहीं रहा है कोई भी गैंग। बात चल रही है गैंगिज्म पे, पर सुशांत का गैंग तो दिख ही नहीं रहा कि वो बात कर सके सीबीआई जांच की। उसकी फैमिली को हक है जानने का कि उसकी मौत के पीछे क्या कारण है, पब्लिक का हक बनता है। सुशांत एक पब्लिक पर्सनैलिटी था, वो उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, उसके जीते जी हर चीज़ पर नज़र हो था। हम पब्लिक पर्सनैलिटी होते हैं लोगों के लिए, हमारे बारे में उनका हक बनता है जानने का, सुशांत क्या करता था, किसके साथ घूमता था, कहाँ पार्टी करता था, कौन से शहर में उसको पार्टी करना पसंद था, किसके साथ अफेयर था, किसके साथ ब्रेकअप हुआ, कब हुआ। जब हर चीज़ हर बात जानने का हक है पब्लिक का, तो क्या सुशांत की मौत के पीछे क्या कारण था, क्या सच है, ये जानने का हक पब्लिक का नहीं है? पब्लिक का पूरा हक बनता है ये बात जानने का, और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पब्लिक पर्सनालिटी और पब्लिक के बीच में। तो इसलिए सीबीआई जांच का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा कि ये दुर्घटना किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, तो अगर हम अभी साथ नहीं होंगे तो फिर कभी साथ नहीं होंगे, ये हमारी आदत में ना आ जाए चुप रहना प्लीज़ गाइज, चुप ना रहें, सीबीआई जांच की डिमांड करें। सिर्फ एक मैसेज, एक वीडियो जो कि 2 मिनट लगता है बोलने में, वो आप अपने इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां हो सके डालें और सुशांत के फादर को, उनके सिस्टर्स को जस्टिस दिलवाने में साथ बने। थैंक यू सो मच।